तमाम योजनाएं बेकार हो जाती है जब कोई गरीब भूख से या बीमारी से दम तोड़ दे। नगर के वार्ड क्रमांक 5 की 15 वर्षीय युवती हर्षिता का ऐसा ही कुछ हाल है। शासन की योजनाओं का लाभ मिलता तो हर्षिता विश्वकर्मा की जान बच सकती थी। गरीब परिवार की बेटी ने गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की वजह से दम तोड़ दिया। हर्षिता के पिता जितेंद्र विश्वकर्मा ऑटो चालक है। उनके परिवार ठोकरे खाने को मजबूर है। उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, गरीबी स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। जितेंद्र की बेटी की तबीयत इनकी खबर की बाल संरक्षण आयोग अधिकारियों को तब दी गई जब इलाज के लिए विदेशा भिजवाया गया। लाभ हितग्राही को प्राप्त नहीं होता। इसके अगले ही दिन हर्षिता का दुखद निधन हो गया। ऐसे में वार्ड नंबर 5 की 15 वर्षीय बेटी हर्षिता को पिछले 1 वर्ष से टीवी की बीमारी थी। जानकारी लगते ही गरीब परिवार की मदद करने नवांकुर विद्यापीठ के छात्र आगे आए। मदद के लिए ब्रजेश रघुवंशी द्वारा घर में राशन पानी की व्यवस्था की गई। वहीं पत्रकार संघ के अध्यक्ष निलेश नायक ने भी अपने संगठन द्वारा इस गरीब परिवार के लिए 1100 रुपये प्रदान किए। माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा इस परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बेटी है वो पिछले 1.5 वर्ष से टीवी से पीड़ित है। उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। आस पड़ोस वालों ने राष्ट्रीय बाल आयोग में सूचना दी, वहाँ से मेरे पास खबर आई। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी खबर की थी। पुलिस प्रशासन उस बच्ची को लेकर कल रात में 9 बजे हॉस्पिटल गया। वहाँ हम लोग गए, देखा बच्ची की जगह। उसी समय बच्ची के पिता को बुला के हम लोगों ने पूछा कि आप 2 साल से बच्ची का इलाज क्यों नहीं करा रहे। तो पिताजी का कहना ये था कि मेरे घर में अकेला मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मैं 1 महीने या 15 दिन बच्ची के इलाज के लिए घर से बाहर रहूँगा तो मेरे बाकी के बच्चों का क्या होगा, उनका भरण पोषण की काफ़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम लोगों ने उसको आश्वासन दिलाया कि तुम्हारे घर परिवार में जो भी है 1 महीने का राशन पानी हम लोग इकट्ठा करके आपसी मदद से दे देंगे बच्चों को। और राशन पानी की और किसी भी प्रकार की सामग्री की आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप अपनी बच्ची का इलाज कराएं। जब तक बच्ची स्वस्थ होकर घर पर नहीं आएगी हम लोग उसकी जवाबदारी लेते हैं। और हमारे बासुदा शहर में ही माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति शाम के खाने की व्यवस्था वो करेगी। खाने के अलावा भी जो ज़रूरत का सामान है जैसे कि साबुन तेल बच्चों के टूथब्रश वगैरह सभी सामग्री हमने दे दी। और प्रेस क्लब की तरफ से भी कुछ नगद दान उन्होंने दिया है, वो भी इनको दे दिया। और आसपास में हमारे जैसे नायक जी हैं इन लोगों को हमने बता दिया कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग जाके ले सकते हैं। मकान दी थे तो बोल रहे कि दिवाली के बाद आएगा। अच्छा, माता जी के नाम से? नहीं, इसके पापा के पापा के नाम से। कौन को जमा करे थे? इसके पापा के नाम से जमा करे थे। कौन को करे थे जमा? नगर पालिका में। हाँ। आवास के लिए? हाँ, घर बनाने के लिए। और अभी तक कोई प्रकार की मदद दी आपको या कोई आया आपके सामने? अभी तो कोई नहीं। पार्षद वगैरह? नहीं, वो कुछ नहीं करते। उसकी यथासंभव मदद करते रहना चाहिए। हमारे पास जो भी सामने जो भी मामले आते हैं या इस तरह के कोई प्रकरण आते हैं तो जो भी जिस तरह की मदद होती है व्यक्तिगत हो या जैसे हम लोग पूरे नवांकुर के छात्र हैं, हम नवांकुर टोली की तरफ से हम लोगों ने मदद की है। प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ मैं और सारे प्रेस वालों को भी इसकी जानकारी है, उन सब की तरफ से भी मदद की है। तो जैसे भी मामले जो आते हैं जैसे पन पड़ता है या था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।